Very good morning to all. So today we are starting our first paper. First paper, chordate structure and function. Unit है classification and characters of phylum chordates up to the orders. And the second point, comparison of habit, habitat, external feature और anatomy है Balanoclasis, Hartmannia and Branchiostomata. First हम अगर टॉपिक लेंगे कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स जैसे मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि कॉर्डेट्स वो एनिमल है जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है. हमने जो फर्स्ट ईयर में लिए थे, फर्स्ट ईयर में सारे एनिमल्स थे नॉन वर्टिब्रेट्स जिसमें बैकबोन अनुपस्थित थी, एब्सेंट थी. कॉर्डेट जो वर्ड है वो सबसे पहले आया था ओडोविशन पीरियड में, जो कल्प था ओडोविशन, वहाँ पे ये सबसे पहले इवॉल्व हुआ. उसका पैलेजोइक जो एरा है, महाकल्प, पैलेजोइक महाकल्प में इसका आविष्कार हुआ था. इसको सबसे पहले जो कॉइंड करा था वो, उसका नाम था फ्रांसिस बेल्फो. फ्रांसिस बेल्फो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कॉर्डेट एनिमल को डिराइव्ड करा था. तो हम सबसे पहले अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो इसको दो में डिवाइड करा है. फर्स्ट है नॉन कॉर्डेट्स, सेकेंड है अपने कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स में जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो एनिमल जिनके अंदर बैकबोन नहीं पाई जाती, और कॉर्डेट्स की बात करें तो वो एनिमल जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है. अगर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर आए थे वो थे इनवर्टिब्रेट्स. बट आज की डेट में वो सारे इनवर्टिब्रेट्स कैसे हो गए, प्रिमिटिव हो गए, वो अब लुप्त हो गए पूरी तरीके से. तो जो फर्स्ट अगर लैंड की बात करते हैं एनिमल किंगडम में, तो सबसे पहले जो इवॉल्व हुए थे ऑर्गेनिजम्स उनको अपन इनवर्टिब्रेट्स कहेंगे. और आज की डेट में एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स के एज़ कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स. आप देख सकते हैं अपन ने फर्स्ट ईयर में देखा था पॉरीफेरेंस है चाहे सिलेंड्रेट्स है, उनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वर्टिब्रेट जो हम अभी पढ़ेंगे मैमल्स की. तो ये एक जर्नलाइज था कि एनिमल किंगडम को दो में डिवाइड है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. सेकेंड स्लाइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन वही दिया है कि कॉर्डेट्स जो है वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर बैकबोन पाई जाएगी. बेल्फोर जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले इसकी स्थापना करी थी बेल्फोर ने. इतने नंबर ऑफ स्पीशीज आज की डेट में पाए जाते हैं और 25,000 जो विलुप्त जातियाँ हैं, स्पीशीज है, इसके अंदर पाई गई है. दूसरा, इन जो जंतु है, जो कॉर्डेट्स के जंतु हैं, इनके जीवन चक्र में किसी ना किसी अवस्था में एक तंत्रिका, खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जू पाई जाती है जिसको कहते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. इस वर्ड को आगे मैं सिंप्लीफाई करूंगी अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में. कॉर्डेट्स को अगर हम तोड़ते हैं, इस वर्ड को तोड़ते हैं, तो बनता है रज्जू और दूसरा बनता है वहन करना या सहित. तो ऐसे वर्ड जिसके अंदर बैकबोन पाई जाएगी, एक पीठ नुमा स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको अपन कहेंगे नोटोकॉर्ड. तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर बैकबोन तरीके का एक ऑर्गन पाया जाता है जो एनिमल की बॉडी, पूरी एनिमल की बॉडी को वो कवर करेगा. तो इस स्लाइड में आपको जर्नलाइज जो फाइलम कॉर्डेट्स है उसके बारे में बताया है. ये जो स्लाइड है इसमें जो चार पॉइंट्स दिए हैं ये एक बेस है कॉर्डेट का. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड जैसे मैंने हर वर्ड के नीचे आपके हिंदी में इसको लिख दिया है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. नोटोकॉर्ड वो है जो पाया जाता है एनिमल की पूरी बॉडी में. ये एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, हिंदी में इसको पृष्ठ रज्जू कहते हैं. दूसरा है डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ये इसके जस्ट ऊपर पाया जाएगा. तीसरी जो पॉइंट है वो है फेरेंजियल पाउचेस और गिल स्लिट्स. ये वो चीज़ें हैं जहाँ से क्या है रेस्पिरेशन की क्रिया होगी, श्वसन की क्रिया होगी. ये चीज़ हमने यहाँ पे क्यों डाली है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे पाइसेस, फिशेस का लेंगे अपन इंट्रोडक्शन. फिशेस क्या होती है, कहाँ से उत्पन्न हुई है, कौन से कल्प महाकल्प में बनी है, तो वहाँ पर उनकी श्वसन की क्रिया कैसे होगी, फेरेंजियल पाउचेस से होगी. और लास्ट जो है वो है पोस्ट एनल टेल. तो ये चार पॉइंट्स बेस बनाते हैं कॉर्डेट्स का, कि कॉर्डेट्स को कैसे अपन विभाजित कर सकते हैं या कैसे अपन अलग कर सकते हैं नॉन कॉर्डेट से. पहला है नोटोकॉर्ड जो एनिमल की पूरी बॉडी पे पाई जाएगी. सेकंड है अपना डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो जस्ट उसके ऊपर पाई जाती है. थर्ड है फेरेंजियल गिल पाउचेस एंड द फोर्थ वन इज पोस्ट एनुअल टेल जिसको कहेंगे सुविकसित गुहा. तो आप डायग्राम देख लीजिए, इन सब की पोजीशन देख लीजिए. यही एक मेन पॉइंट है, यही एक मेन डायग्राम है जिससे अपन पूरा कॉर्डेट के एनिमल्स को अप टू द मैमल समझ सकते हैं. नोटोकॉर्ड, डोर्सल नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल पाउचेस एंड द फोर्थ वन इज पोस्ट एनल टेल.
फर्स्ट अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लेक्सिबल रॉड है। इजीली ये फ्लेक्सिबल होती है बॉडी में, बनी किससे है, कार्टिलेज से बनी है विच रन डाउन द बैक ऑफ एन इंडिविजुअल। पूरे इंडिविजुअल जो एनिमल है उसकी बैक के अंदर पाई जाएगी, जैसे अपने अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। और ये जो नोटोकॉर्ड है कभी कभी फाउंड होती है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर, कोई भी उसका अगर मान लीजिए जो परिवर्धन की जो अवस्थाएं हैं, डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। एंड इट बिकम्स अ बैकबोन बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ये बैकबोन उस एनिमल में स्थापित हो जाएगी या प्रेजेंट रह जाएगी, तो इसलिए कहते हैं इसको नोटोकॉर्ड। दूसरी यही जर्नलाइज्ड ही है कि कॉर्डेट के वर्ड को हम तोड़कर उसका अलग मीनिंग निकालते हैं, जिसको कहते हैं अपन तार है या फिर कोई धारक है, बियरिंग मतलब धारक। तो इस संघ में नोटोकॉर्ड को अपन कह सकते हैं वो जंतु जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है वो संघ कॉर्डेटा के अंदर आएंगे। ये डिफरेंस अपन बता सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों साथ में कंबाइन करा है तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। संघ कॉर्डेट्स के अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया इस संघ में बेसिकली जलीय, स्थलीय या फिर अपन कह सकते हैं जो हवा में उड़ने वाले वायवीय जो होते हैं इजीली जिनके अंदर फ्लाइट अडेप्टेशन पाया जाता है वो होते हैं बर्ड्स। फिर हम बात करें इनका जो शरीर है वो द्विपाशीय या फिर द्विपाशीय सममिति या फिर त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और द्विपाशीय मतलब ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन जर्म लेयर्स पाई जाएगी जैसे एक्टो है, मीजो है, तो ये सारी जर्म लेयर्स इसके अंदर पाई जाती है। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मैंने समझा दिया जो नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर पाई जाएगी। नोटोकॉर्ड यहाँ पे वही है जो सम स्टेजेस लाइफ के कोई स्टेजेस में ये इनिशियल स्टेजेस पर पाई जाएगी, और नहीं तो ये बाद में जो परिवर्धन का टाइम आएगा वहाँ पर ये एनिमल की पूरी बॉडी में पाई जाती है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं दो पाशियम मैंने हिंदी में भी इसमें लिखा हुआ है कि जिनके जीवन भर में एक शरीर को सहारा देने के लिए एक लंबी लचीली व दृढ़ अथवा कंकालीय जो छड़ पाई जाएगी उसको नोटोकॉर्ड कहते हैं, और जो एनिमल्स नोटोकॉर्ड को बेयर करते हैं उसे कहते हैं कॉर्डेट्स। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इसको ईजिली नोट कर सकते हैं। ये एक मैंने जर्नलाइज डायग्राम दिया है, इस डायग्राम से आप ये समझ सकते हैं कि जो हम फर्स्ट ईयर में इनवर्टिब्रेट्स पढ़कर आए हैं वहाँ पर ऐसे कंकाल स्ट्रक्चर हमने देखा, बॉडी कैसी थी, एकदम लूज थी, स्लगिश थी। यहाँ पर क्या है कि इनके अंदर एक वर्टिब्रेट पाई जाएंगी, वर्टिब्रीज पाई जाएंगी। इसमें मैंने चार एग्जाम्पल लिए हैं, फिश हो गया, काऊ हो गया, क्रोकोडाइल हो गया और चिकन हो गया। अगर इनको मैं चारों को अलग अलग क्लास दूँ तो पाइसिस फिश में आ जाता है, काउ किस में आती है मैमल में आ जाएगी, क्रोकोडाइल आ जाएगा रेप्टाइल में और चिकन आ जाएगा अपने बर्ड्स में। तो इन सब को अपन वर्टिब्रेट्स एक हायर एनिमल के अंदर डालेंगे, इसलिए इनको कहा गया है कॉर्डेट्स। फिर हम बात करते हैं पेयर गिल स्लिट्स की, ये फेरिंग्स के जो ग्रसनी है उसके आइदर साइड पाए जाएंगे। ये जो पेयर्ड फेरिंग्स है इनसे क्या होता है, रेस्पिरेशन की, श्वसन की क्रिया होती है उनकी लाइफ में। सिलोमेट अगर बात करें इसमें वास्तविक गुहा पाई जाती है, वेल डेवलप्ड सिलोम पाई जाएगी। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसके अंदर पाया जाएगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को अपन कह सकते हैं। ज़्यादातर इनके अंदर पोस्ट एनुअल टेल पाई जाएगी। दूसरा हम बात करें वास्तविक सिलोम पाया जाएगा, जीवन भर या जीवन के किसी भी अवस्था में शरीर को सहारा देने के लिए जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे नोटोकॉर्ड रहेगी, और इस उपस्थिति में जंतु को हम कॉर्डेट्स कहेंगे। ये क्लासिफिकेशन है फाइलम कॉर्डेट्स का, जैसे हो गया किंगडम एनिमेलिया, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बैकबोन एनिमल जो वर्टिब्रेट्स में आते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग कॉर्डेट्स अगर बात करें वो फैमिलियर है वर्टिब्रेट एनिमल से, मैंने डायग्राम के थ्रू इसमें समझा दिया है कि ये मसल सेगमेंट्स पाई जाएगी, पीछे टेल है, एनस है, फेरेंजियल पाउचेस है। ये बेसिकली अगर हम बात करें एक जर्नलाइज्ड डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया कि चार कौन से मेन पैरामीटर होते हैं जिससे अपन कॉर्डेट्स को अलग करते हैं नॉन कॉर्डेट से, तो उसके बाद अपन इजीली इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट मतलब क्या कशेरुकी होते हैं और क्या अकशेरुकी एनिमल्स पाए जाते हैं। जर्म लेयर जैसे मैंने आपको आगे बताया ट्रिप्लोब्लास्टिक है, त्रिस्तरीय, तो ये एक जर्नलाइज आपके क्लासिफिकेशन प्लस इसके पॉइंट्स हो गए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। पोस्ट एनुअल टेल है, प्रेजेंस ऑफ गिल पाउचेस, ये मैंने सारा आपको आगे बता दिया है।
अब इसके अंदर तीन जो मैंने आपको अभी चार पॉइंट्स बता रही हूँ लगातार, ये इसके प्राथमिक मूल लक्षण है। क्वेश्चन बनता है कि आप जर्नलाइज कैरेक्टरिस्टिक दीजिए फाइलम कॉर्डेटा के, ये पार्ट ए बी और सी तीनों में आता है। ये पार्ट ए में अगर पूछा जाता है तो आपको सिर्फ इनके नाम लिखने हैं, पार्ट बी में पूछा जाता है तो आपको इसके साथ इसकी पूरी अपन कह सकते हैं डायग्रामेटिक व्यू से आप बता सकते हैं कि भाई कैसा है। जैसे मैं आपको अभी बताया कि अगर ये डायग्राम आप बनाएंगे तो इसमें आपको इजीली ये चारों पॉइंट्स को बता सकेंगे, नोटोकॉर्ड कहाँ होती है, होलो नर्व कॉर्ड कैसे होती है, माउथ के नीचे फेरेंजियल गिल पाउचेस जो ग्रसनी के दोनों साइड में पाउचेस पाए जाते हैं, तो ये चीज़ आप इजीली बता सकते हैं। तो अपन पार्ट बी में इस आंसर को वैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सम कॉर्डेटा के प्राथमिक या मूल लक्षण, तो पहले अगर मैं बात करती हूँ जैसे उसमें नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड को सबसे पहले अगर हम बात करें कॉर्डेट्स में, तो इसका जो बेसिक है कि नोटोकॉर्ड क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि ये क्या एक लचीली रचना है जो शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा के स्थित होती है। इससे जो एनिमल है उसको इजीली सपोर्ट मिलता है, वो इजीली चल पाता है, वो बैठ पाता है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, हायर वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं। हमने जो फर्स्ट टाइम में पढ़ा था वो पढ़ा था इनवर्टिब्रेट, जो मोस्टली कहाँ रहते थे, पानी के अंदर। पानी के अंदर उनको ऐसी लचीली रचना चाहिए नहीं, क्योंकि वो इजीली क्या है, फ्लोट करने वाले होते हैं। यहाँ पर अपन बात करें स्थलीय जीव, टेरिस्ट्रियल की बात करें, तो जो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या है, उनकी एक बॉडी में एक लक्षण चाहिए, एक संरचना चाहिए जिससे वो इजीली मूव कर सके, वॉक कर सके, रन कर सके, तो इसलिए नोटोकॉर्ड इसमें डाली गई है। दूसरी मैंने आपको इसमें बता दिया था कि ये पाई जाती है तंत्रिका रज्जु, जिसको अपन डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड कहते हैं। ये कैसी होती है, खोखली होगी और एक्टोडर्म से ये बनी हुई होगी। इसमें लिखा हुआ है तंत्रिका रज्जु का निर्माण एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से होता है, तो एक्टोडर्म से बनी होती है। और इसकी जो गुहा है कैसी है, सीलोम कैसा है, वो मैंने आपको बता दिया, वास्तविक गुहा इसके अंदर पाई जाती है। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया था कि ग्लोम दरारें पाई जाती है जिनसे ये क्या है, जंतु सांस लेते हैं। तो मैंने इसमें भी आपके हिंदी और इंग्लिश में मार्क करा हुआ है कि नोटोकॉर्ड है, मुख है, जो पहले वाला था वही की वही ये डायग्राम है। पर ये आपको मगअप करना है कि इस डायग्राम के थ्रू हम बता सकते हैं कि कॉर्डेट्स के अंदर जो चार मेन पॉइंट्स हैं उससे हम कैसे उसको अलग करते हैं नॉन कॉर्डेट से। तो ये चीज़ आपको अपने थ्योरी में लिखनी है, प्लस ये प्रैक्टिकल में भी काम आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल में इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो हो गया नोटोकॉर्ड, दूसरा हो गया अपने डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड जो नोटोकॉर्ड के ऊपर पाई जाती है, तीसरा हो गया फेरेंजियल गिल जिससे क्या है इसको कहते हैं ग्रसनी क्लोम दरारे जिसके द्वारा क्या है जंतु सांस लेते हैं, और लास्ट में हो गया पोस्ट एनुअल टेल जो कोई जंतु में एडल्ट अवस्था में ये पाई जाएगी। तो ये प्राथमिक मूल लक्षण है कॉर्डेट्स के जो हम नॉन कॉर्डेट्स से अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर ये आ गया डिफरेंस बिटवीन, ये एक क्वेश्चन बनता है पार्ट ए में भी आ सकता है, पार्ट बी में भी आ सकता है और पार्ट सी में भी आ सकता है। अगर ये डिफरेंस बिटवीन पूछा गया तो आपको एनिमल्स को ड्रॉ करके, कॉर्डेट्स के एनिमल में आप कोई भी एनिमल ले सकते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे हडमान्या है, बैलेनोग्लॉसिस है, उनको आप ड्रॉ कर देंगे। नॉन कॉर्डेट में आप इतने सारे पढ़कर आई हैं, यूग्लीना, पैरामीशियम, साइकॉन, यूप्लेक्टुलस, तो कोई भी ड्रॉ करके आप एनिमल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में है वही सारे पॉइंट्स को हमने इधर डाला है कि नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, फेरेंजियल है, पोस्ट एनुअल टेल है। इसका जो मेन है ऊपर के चार तो आप पढ़ लेंगे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बेसिकली रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है। आज अपन बात करें ह्यूमन बींग्स में अपने अंदर RBC पाए जाते हैं, वो कैसे हैं, रेड इन कलर है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पिगमेंट पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाएगा जिसको अपन कहेंगे हीमोग्लोबिन। तो विद द हेल्प ऑफ इट अपन कह सकते हैं कि अपने शरीर में लाल रक्त पाया जाएगा। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है कॉर्डेट्स के अंदर, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स अगर बात करें RBC तो वो चीज़ क्या है, वहाँ पे हीमोसाइनिन पाया जाता है। अगर याद हो तो कॉकरोच में ये चीज़ होती है, उसमें ब्लू कलर का उनका रक्त होगा। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर नॉट इन RBC जो है अपने नॉन कॉर्डेट्स में। फिर जो मेन पॉइंट है वो है एक्सक्रीटरी, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है
अगर बात करती हूँ मैं कॉर्डेट्स की, तो वहाँ पे किडनी, अपने मैमल्स में अपनी जो एक्सक्रीटरी है, उत्सर्जन जिसे अपन बात करते हैं, वो है किडनी। और यहाँ पे अब किडनी भी अलग अलग है, मेटानेफ्रिक भी हो सकती है, आपने पढ़ी भी है सारी किडनी, मेटानेफ्रिक है, प्रोनेफ्रिक है, मीजोनेफ्रिक है। तो ये सारी चीज़ें अपन बात करते हैं कॉर्डेट्स के अंदर। हम अगर नॉन कॉर्डेट्स की बात करें, तो वहाँ पर अलग अलग जो वेराइड है अपन ने पढ़े हुए हैं ऑर्गन्स, वो वहाँ पे एज एक्सक्रीशन वहाँ पे रोल प्ले करेंगे। तो ये एक बेसिक जनरलाइज्ड अपन बताया है कि कॉर्डेट्स को और नॉन कॉर्डेट्स को क्या क्या पॉइंट्स से अपन अलग कर सकते हैं। नोटोकॉर्ड हो गया, नर्व कॉर्ड हो गया, फेरेंजियल गिल्स हो गए, पोस्ट एनुअल टेल हो गया, फिफ्थ पॉइंट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, के इधर हीमोग्लोबिन है और उधर हीमोसाइनिन है, और लास्ट में है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कॉर्डेट्स में आता है किडनी एंड नॉन कॉर्डेट्स में आता है बहुत सारे ऑर्गन एक्सेप्ट किडनी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन से कभी कभी स्किन से भी हो सकता है, अपन ने आर्थ्रोपोडन्स पढ़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में लिखनी है आपको। फिर जैसे मैंने इंग्लिश में डिफ्रेंशिएट बताया, वैसे मैंने हिंदी में विद द हेल्प ऑफ एक एक जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसी के मैंने नीचे आपके डायग्राम शो करे हैं, तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। अगर मैंने बात करी फर्स्ट नोटोकॉर्ड की, तो ब्लू वाला पार्ट कॉर्डेट्स बताता है और जो रेड वाला पार्ट है वो नॉन कॉर्डेट्स बताएगा आपको। जैसे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, और जैसे नॉन कॉर्डेट्स में अगर बात करें तो इनका अभाव रहेगा वहाँ पर, अनुपस्थित रहेगी। तो मैंने नोटोकॉर्ड का डायग्राम भी दे दिया और ऊपर इनके डिफरेंशिएट बता दिए। सेकंड मैंने बात करी, अभी इतनी देर से मैं बात कर रही हूँ, तो ये जो बात है इसमें है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल की मैं बात कर रही हूँ। ये कहाँ पर पाई जाएगी? ये देहभित्ति के ठीक नीचे स्थित होती है। ये है मैं बात कर रही हूँ कॉर्डेट्स की। अगर मैं नॉन कॉर्डेट्स की बात करूँ, तो ये कहाँ पाई जाएगी? अधर तल के स्थित होगी। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होगा, एलिमेंट्री कैनाल की पोजीशन चेंज होती है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। और जो नॉन कॉर्डेट्स की बात करें, वहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मध्य अधर एवं ठोस होता है। आपने ये चीज़ प्रॉन में देखी है, अपन ने प्रॉन का डाइसेक्शन भी करा है, तो वहाँ पे आप इजीली पता कर सकते हैं कि वो कौन सी पोजीशन में होगी। तो इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल को लेकर भी अपन डिफरेंसेस पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने बताया फेरेंजियल गिल है, कोई भी किसी भी अवस्था में ग्रसनी, क्लोम, दरारें उपस्थित रहती है। नॉन कॉर्डेट्स में दरारें उपस्थित नहीं रहेगी, इसमें आप इजीली लिख सकते हैं। प्लस इसके साथ इसका डायग्राम भी है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि फेरेंजियल गिल क्या है, तो वो माउथ के जस्ट बीनीथ पाए जाते हैं जहाँ से श्वसन की क्रिया होगी, तो आप इसको इजीली डायग्राम में देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पोस्ट एनुअल टेल की, जो मस्कुलर होती है, ये चीज़ अनुपस्थित है। आपने देखा है फ्रॉम पॉरीफेरेंस टू इकाइनोडर्म्स, कहीं पर भी कोई भी जंतु में अपन को पूंछ दिखाई नहीं देती, टेल दिखाई नहीं देती। ये चीज़ सिर्फ हायर कॉर्डेट्स में पाई जाती है, जहाँ पर वो बेसिकली अपन कह सकते हैं, जैसे अपन मंकी की बात करें, मंकी के अंदर ये जो टेल है, विद द हेल्प ऑफ टेल वो एक ट्री से दूसरे ट्री, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच इजीली मूव कर सकता है, इजीली छलांग लगा सकता है। तो ये सब किस में आएंगे? कॉर्डेट्स के अंदर आएंगे। और ये कैसी होती है? एकदम ठोस होती है, और ये भी एम्ब्रियो से ही उत्पन्न होती है, और उसी में ही एम्ब्रियो के ही थ्रू ये आगे बढ़ेगी उसकी एडल्ट अवस्था में। और ये जो चीज़ है वो नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट रहेगी। तो ये एक पॉइंट बनाता है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा। फिर हम बात करते हैं हृदय की, हृदय का जो तल है वो कैसा होगा? जो हृदय तल है, मतलब कॉर्डेट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो कॉर्डेट्स के जंतु में हृदय अधर तल की ओर होता है, और उसकी बात करती हूँ नॉन कॉर्डेट्स की, तो वो पश्च तल, मतलब इन दोनों की पोजीशन भी चेंज हुई हृदय की। जैसे हमने पहले बात करी थी आहार नाल की, इधर हम बात कर रहे हैं हृदय की, हार्ट की। और इसके हृदय के नीचे जस्ट एलिमेंट्री कैनाल का पोजीशन पाई जाएगी। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड हार्ट, इन दोनों की पोजीशन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंट होगी। और लास्ट जो अपन सिक्स्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, परिवहन तंत्र, जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसकी भी पोजीशन चेंज होगी। यहाँ पे जो ब्लड है वो, उसका जो बहाव है, जो फ्लो है, वो आगे से पीछे की ओर आएगा, और यहाँ पर पीछे से आगे की ओर आएगा। तो जो डायरेक्शन है ब्लड फ्लो का, वो भी चेंज होता है कॉर्डेट्स में एंड नॉन कॉर्डेट्स में। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को अपने नोट में लिख लेना,
जब तक आप रेगुलर अपनी ऑफलाइन क्लासेस नहीं शुरू हो जाती, यही आपके नोट्स हैं, इन्हीं को ही आप अपने नोट्स में कोई भी कॉपी में जॉट डाउन कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, क्योंकि इससे इजीली आप अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। सेवेंथ जो पॉइंट है यहाँ पर, यकृत निवारिका का जो तंत्र है वो यहाँ पर उपस्थित रहेगा और यहाँ पर ये अनुपस्थित रहेगा, जिसको मैं कहती हूँ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एट्थ जो पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, और इनवर्टिब्रेट्स में जहाँ मैं बात करी नॉन कॉर्डेट्स की, वहाँ पर हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहेगा, वहाँ पर हीमोसाइनिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया हीमोसाइनिन ब्लड के जो प्लाज्मा में घुलित रहता है, तो वहाँ पे ब्लड कैसा होगा, ब्लू इन कलर होगा, तो कॉर्डेट्स में रेड कलर का है और नॉन कॉर्डेट्स में अपन अगर बात करें तो वो ब्लू कलर का होगा। तो बेसिकली जो ये 7-8 पॉइंट्स थे, ये पूरा अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट से, कि अकशेरुकी और कशेरुकी, अगर कोई पूछता है कि इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं या क्या क्या डिफरेंसेस है, अब आप इजीली बता सकते हैं। बस वो 4 पॉइंट्स याद रखिएगा, नर्व कॉर्ड हो गया, डॉर्सोट्यूबुलर हॉलो जो नर्व है वो हो जाएगी, थर्ड अपना हो जाएगा फेरेंजियल गिल पाउचेस हो जाएगी, और फोर्थ अपना जो पॉइंट है वो है पोस्ट एनुअल टेल जो मस्कुलर होती है। तो ये जो 4 मेन पॉइंट्स है, प्लस इनका ब्लड रेड है और यहाँ पे कलरलेस है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये डिफरेंसेस अपने ख़त्म होते हैं। ये जो मैंने जनरलाइज दो फोटोग्राफ्स डाली है वो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की है। अगर मैं बात करती हूँ इनवर्टिब्रेट्स की, तो पॉरीफेरा से इकाइनोडर्म्स जो भी जंतु हैं वहाँ पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, इसलिए यहाँ मैंने आपको लिखा हुआ भी है कि फाइलम पॉरीफेरा टिल इकाइनोडर्म्स डजन पोजेस अ नोटोकॉर्ड इन देयर लाइफ साइकिल एंड दे आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। अगर मैं बात करती हूँ कॉर्डेट्स की, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है दे हैव नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेजेस ऑफ, उनका कोई भी प्रावस्था हो, चाहे लार्वा हो चाहे एडल्ट हो, कोई भी प्रावस्था में अगर नोटोकॉर्ड पाई जाती है तो वो जंतु कहलाएंगे कॉर्डेट्स। यहाँ पर जो जनरलाइज दिया हुआ है, देखो फिशेस है, फिर फ्रॉग है, फिर स्नेक है, फिर लिजार्ड है, फिर बर्ड है, और फिर लास्ट में अपने मैमल्स में अपने मंकी आ गया। तो इन सब में कहीं ना कहीं इनकी कोई भी एम्ब्रियोजेनिक अगर बात करें, कोई भी अगर इनकी साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल की, कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड इनके अंदर पाई जाएगी, जो एज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है इनके शरीर को क्या करेगी, एक सपोर्ट देगी, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म कहलाए जाएंगे कॉर्डेट्स। तो ऊपर वाला डायग्राम बताएगा नॉन कॉर्डेट्स का, एंड नीचे वाला जो हम बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे वो है कॉर्डेट्स। ये इंग्लिश में मैंने बताया है, जो मैंने हिंदी में आपको सारी चीज़ें लिखवाई है कि भाई कॉर्डेट्स कैसे हैं। यहाँ पर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड की बात करते हैं, तो ये एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सल पाई जाएगी, एंटीरियर एंड इसका एनलार्ज्ड होगा, अगर हम बात करें तो इसका आगे का जो है वो आगे पॉइंटेड है, एनलार्ज्ड है, और इनफोल्डिंग ऑफ एक्टोडर्मल सेल से ये बनता है, और ये जो प्रोटेक्टेड है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रल कॉलम्स है ये डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का ही इलोंगेटेड पार्ट है, जो उसकी लाइफ साइकिल में बनेगा उसको कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड को बताते हैं, आप इसको पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। फिर फेरेंजियल गिल्स सेम एज डॉर्सल हॉलो, यहाँ पर कॉर्डेट्स के अंदर पाए जाएंगे फेरेंजियल गिल पाउचेस, इनको पाउचेस के नाम से भी कह सकते हैं कि भाई पाउचेस होता है, जो बेसिकली क्या है, एक मॉडिफिकेशन है गैस एक्सचेंज का ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। जैसे जैसे नॉन वर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स बने हैं तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ है, रूपांतरण हुआ है गैसेस का, कि कैसे एक्सचेंज करेगा वो एनवायरमेंट में, तो वहाँ पर फेरेंजियल गिल पाउचेस वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ भी है कि कॉर्डेट्स हैव अ कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, फेरिंग्स इज अ रीजन पोस्टीरियर टू द माउथ। ये आप वर्ड पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा कि जो फेरिंग्स है वो पोस्टीरियर माउथ के पाया जाएगा, एंड इट ओपन टू द आउटसाइड थ्रू सेवरल पेयर ऑफ गिल्स स्लिट्स, जहाँ से क्या है पानी एंटर रहेगा, और जब पानी एंटर रहेगा तो वो पूरा एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो जाएगा, उसका मतलब इनफ्लो कहाँ होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होगा, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा, पाचन तंत्र के अंदर जाएगा, तो उसका काम क्या रहता है कि वो इजीली O2 CO2 का रेशियो बनाए रखे। जैसे हम इसके अंदर हम प्रॉपर एग्जांपल अगर लें
तो हम ले सकते हैं एम्फीबियंस का. एम्फीबियंस क्या है, डुअल लाइफ शेयर करते हैं. डुअल लाइफ मतलब पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं. दे आर टेरिस्ट्रियल एज वेल एज दे आर मराइन. टेरिस्ट्रियल वहाँ पे एगलिंग होती है, तो जब वो बाहर रहेंगे टेरिस्ट्रियल रहेंगे तो उनका जो रेस्पिरेशन की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी स्किन. और अगर वो जो पानी में रहेंगे तो उनकी रेस्पिरेशन की क्रिया क्या हो जाएगी, गिल्स. तो ये जो फेरेंजियल गिल्स है इनका बेस्ट एग्जांपल होता है एम्फीबियंस, जहाँ पर वो डुअल लाइफ शेयर करते हैं, पानी में भी रह सकते हैं एंड लैंड पे भी रह सकते हैं. तो फेरेंजियल गिल्स का आप पॉइंट सी लिख सकते हैं. लास्ट है मस्कुलर पोस्ट एनल टेल. मस्कुलर पोस्ट एनल टेल मैंने आपको बताया ये टेल एक्सटेंड करेगी बियॉन्ड द एनस, और ये मोस्टली फाउंड होती है कॉर्डेट्स के अंदर, जिनके अंदर क्या है स्केलेटल एलिमेंट्स एंड मसल्स पाए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि टेल के अंदर ये सिंपल टेल ही है, इसके अंदर कोई भी मस्कुलर चीज़ नहीं है, इसके अंदर पूरी मस्कुलर. ये चीज़ अपन बात करेंगे रेप्टाइल के अंदर, जैसे क्रोकोडाइल है, ग्रेविलिस, फिर हम बात करते हैं स्नेक की, तो इनके अंदर क्या है अप टू द फ्रॉम टिप टू टॉप इनके अंदर पूरे स्केलेटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, प्लस मसल्स पाए जाएंगी, मसल सेगमेंट्स पाए जाएंगे. तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं मस्कुलर पोस्ट एनुअल टेल इज फाउंड एंड इट प्रोवाइड फोर्स इन मेनी एक्वेटिक स्पीशीज. तो प्रोपल्सिव जो फोर्स है बहुत सारे एक्वेटिक स्पीशीज में, एक्वेटिक स्पीशीज क्या होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो प्रोपल्सिव मतलब आगे की तरफ बढ़ना, पीछे की तरफ आना, ये जो फोर्सेस है वो बेसिकली किससे होगा, मस्कुलर पोस्ट एनुअल टेल से होगा. जो घड़ियाल है जो पानी में रहता है वो आगे की तरफ कैसे जाएगा, उसके अंदर कोई फोर्स लगेगा बॉडी का, वो फोर्स कहाँ से आएगा, ये पोस्ट एनुअल टेल से आएगा. ऐसा तो नहीं है कि अपन उसको धक्का मारे वो आगे जा रहा है, उसकी बॉडी में एक पोस्ट एनुअल टेल दी गई है जो वो इजीली मूव कर सके, वहाँ पे फोर्स लगा सके पानी के अंदर कि वो इजीली राइट या लेफ्ट कोई भी डायरेक्शन में वो इजीली जा सके. जाता स्लो है बट वो जो फोर्स लगता है तब वो मूव करेगा, ऐसे वो मूव नहीं करेगा, ऐसे वो स्टैग्नेंट ही बैठा रहता है वो. तो यहाँ पर अपन पोस्ट एनुअल टेल का एग्जाम्पल ये दे सकते हैं. तो ये जो चार पॉइंट्स हैं मैंने हिंदी एंड इंग्लिश में क्लियर कर दिए आपके. अब बात आती है मेन, जिसकी है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का ये तो मैंने एक जर्नलाइज डायग्राम बनाया है. जर्नलाइज डायग्राम में मैंने क्या करा है, एक फ्लो चार्ट है फाइलम कॉर्डेटा दो इसके, इसको अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से लिखना है, क्योंकि यही एक मेन है जो आपको बेलोनोग्लॉसिस हुआ, हडमानिया हुआ, डोलोलम हुआ, साल्पा हुआ, इन सब एनिमल्स का अलग अलग फीचर्स ईजिली बता सकेगा कि इसको इसमें क्यों रखा गया है. तो फाइलम कॉर्डेट्स की हम बात करते हैं, संघ कॉर्डेटा की बात करते हैं, इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, ए क्रेनेटा एंड क्रेनेटा. अगर मैं बात करूं ए क्रेनेटा की, जहां पर ए आता है, मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट ईयर में, जहां पर ए आता है मतलब वो चीज़ वहां पर क्या है, अनुपस्थित रहेगी. अब अनुपस्थित रहेगी और यहाँ उपस्थित रहेगी वो क्या है कि इसके अंदर इनका जो आधार बनाया है कि इनको कैसे कैसे अपन रखेंगे, तो पहला है वर्टिब्रल कॉलम जो हम अभी पढ़कर आए हैं कि वर्टिब्रल कॉलम. दूसरा है क्रेनियम, क्रेनियम क्या होता है, कपाल. तीसरा है अपना पेक्टोरल गर्डल एंड पैल्विक गर्डल. तो ये जो सारे गर्डल्स हैं, चार हाथ पैर वाले जो अपन जीव जंतु की बात करें, तो ये तीन मेन आधार के पॉइंट्स हैं जहाँ पर कॉर्डेट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करा है, ए क्रेनेटा एंड क्रेनेटा. क्रेनेटा को अंदर जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर आप देख सकते हैं, मैंने सब फाइलम वर्टिब्रेटा भी करा है, इस वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन भी करे हैं, ए गैनेथा और गैनेथोस्टोमेटा. तो ये एक बार आप देख लीजिए, ये एक फ्लो चार्ट है. अब मैंने इसको टुकड़ों में अलग अलग स्लाइड में बनाया, ए क्रेनेटा के अंदर क्या क्या है, क्रेनेटा के अंदर क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं. मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है ए क्रेनेटा. जब मैं बात करती हूँ ए क्रेनेटा की, ए क्रेनेटा के अंदर कौन से सारे जो इनको एक और नाम से भी जाना जाता है प्रोटोकॉर्डेटा, और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, सारे जो जीव जंतु हैं वो मराइन है और लोअर कॉर्डेट्स कहा जाता है. इनको दो सब फाइलम्स में डाला गया है. सब फाइलम्स के अगर हम बात करें, जैसे बोलते हैं कि जो फाइलम का जो मेन थोड़ा सा उसके नीचे जो आएगा वो है सब फाइलम. इनको नाम को अच्छे से करना, ये आपको अपनी फाइल में भी आगे बनाना पड़ेगा. तो एक रेटा को तीन सब फाइलम में डाला गया है, हेमी कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा, सफेलो कॉर्डेटा.
नाम से पता चल रहा है, हेमी मतलब हाफ। तो ऐसे जीव जंतु जहाँ पर आदि कॉर्डेट पाई जाती है, आदि कॉर्डेटा, आदि स्ट्रिंग पाई जाती है, मतलब पूरी बॉडी में नहीं पाई जाएगी, सिर्फ आदि उसमें पाई जाएगी, वो है हेमिकॉर्डेटा। यहाँ पर एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसिस। यूरोकॉर्डेटा मतलब, यूरो मतलब होता है टेल। तो ऐसे जीव जंतु जहाँ पर टेल के अंदर कॉर्डेट पाई जाएगी, कॉर्डेट मतलब स्ट्रिंग पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, वो होते हैं यूरोकॉर्डेटा। सफेलोकॉर्डेटा की मैं बात करूँ तो हेड। तो ऐसे जीव जंतु जहाँ पर हेड के अंदर कॉर्डेटा मतलब कॉर्ड पाई जाएगी, तो हेमी मतलब हाफ, यूरो मतलब टेल एंड सफेलो मतलब ब्रेन। तो ये जो तीन हैं वो है सब फाइलम एक्रेनेटा के। हेमी का एक ही एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसिस, जिसका अपन जनरलाइज पढ़ेंगे आगे जो अपने लेक्चर्स में आएगा, जहाँ पे उसके हैबिट हैबिटेट पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेटा को हम आगे डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ पर आता है उसकी तीन क्लासेस, एस्किडेसिया, थैलेसिया, लार्वेसिया। एस्किडेसिया का एक ऑर्डर है एस्किडेसिया सिंप्लाइसिस, जिसका एग्जांपल है हटमानिया। थैलेसिया के दो ऑर्डर हैं डोलोलिडा एंड सेल्पिडा। जब मैं बात कर रही हूँ डोलोलिडा की, नाम से पता चल रहा है एग्जांपल इसका डोलोलम है, एंड सेल्पिडा की बात कर रही हूँ तो इसका एग्जांपल है सेल्पा। ये जो दोनों हैं डोलोलम और सेल्पा, ये अपने स्पेसिमेन नहीं है, ये अपनी स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स में इनके क्या है बेसिकली, इनको समझने का ये है कि डोलोलम नाम से पता चलता है ना, एक ड्रम के आकार का होगा, एक गोल आकार है, ड्रम के आकार का है, और वो जो ड्रम है, जैसे ये ड्रम मान लीजिए, तो इसके चारों तरफ बैंड्स पाए जाए उसके ऊपर, जैसे आज अपन ड्रम के ऊपर एक रबर बैंड्स लगा देते हैं, वैसे इसके अंदर अलग अलग बैंड्स पाए जाएंगे, उनके आधार पर अपन इसका नाम रखा है डोलोलम। दूसरा है सेल्पिडा जो इसका ऑर्डर है। तो थैलेसिया का दो ऑर्डर है डोलोलम एंड सेल्पिडा। लार्वेसिया की बात करें, इसका कोई भी अपना एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको सिर्फ ये याद करना है लार्वेसिया। तो यूरोकॉर्डेटा, जैसे मैंने आपको बताया, यूरो मतलब टेल, ऐसे जीव जंतु जिनकी टेल में कॉर्ड पाई जाएगी, उनकी तीन क्लासेस हैं, तीन वर्ग हैं, एस्किडेसिया, थैलेसिया, लार्वेसिया। एस्किडेसिया का एक ही ऑर्डर है एसिडेसी सिंप्लाइसिस, एग्जांपल हडमानी आ गया। थैलेसिया का दो ऑर्डर है डोलोलिडा एंड सेल्पिडा, जिसका डोलोलम और सेल्पा आ गया। लार्वेसिया का कोई एग्जाम्पल नहीं है, आपको लार्वेसिया सिंपल ही पढ़ना है। कम टू द नेक्स्ट सब फाइलम, बात करते हैं सफेलोकॉर्डेटा की। सफेलोकॉर्डेटा बात करी, जैसे मैंने आपको बताया सफेलो मतलब बात कर रहे हैं हेड की, क्रेनियम की, कपाल की। तो जिनके वो जीव जंतु जिनके हेड के अंदर कॉर्डेट जो एक स्ट्रिंग पाई जाएगी, वहाँ पर आता है सफेलोकॉर्डेटा। इसकी एक ही क्लास है, एक ही वर्ग है, जिसको कहेंगे लेप्टोकार्डी। लेप्टोकार्ड भी क्या होता है, उनके जो जॉज है उनके अंदर टीथ पाए जाएंगे, सकर्स पाए जाएंगे, चूसक पाए जाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल है एम्फियोक्सिस, मैंने आपको बताया था, इसका भी अपन को पढ़ना है। एम्फियोक्सिस को बेसिकली ब्रांचेस्टोमेटा कहते हैं, कॉमनली इसको लैंसेट भी कह सकते हैं। एक वर्म लाइक होती है, जैसे अपन अर्थवर्म पढ़ा था, अर्थवर्म लाइक ये पाई जाएगी लेप्टोकार्डी, वो पानी के अंदर पाई जाएगी, और प्लस उसके जो माउथ है वहाँ पे सकर्स पाए जाएंगे। तो ये लेप्टोकार्डी एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस। तो एक रेनेटा का ये तीन बेस याद करना है, हेमी यूरोसेफेलो, हेमी बेलेनोग्लॉसिस, यूरोकॉर्डेटा में हडमानिया, डोलोलम सेल्पा, एंड सेफेलोकॉर्डेटा में एक ही क्लास है लेप्टोकार्डी, जिसका है एम्फियोक्सिस। आप इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अपन बेलेनोग्लॉसिस, हडमानिया एंड एम्फियोक्सिस इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर काम आएगा आपको कि ये बेलेनोग्लॉसिस को हेमी में क्यों डाला, क्योंकि इसमें आधी कॉर्ड है। लेप्टोकार्डी जिसमें अपन एम्फियोक्सिस है, यहाँ पर उसके हेड के अंदर कॉर्ड पाई जाएगी। हडमानिया मतलब एस्किडेसिया, वहाँ पर उसकी टेल में पाई जाएगी, टेल मतलब फुट में पाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ अपन नेक्स्ट अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। ये थी एक क्रेनेटा की। अब मैं बात कर रही हूँ क्रेनेटा की। क्रेनेटा मतलब ये हायर वर्टिब्रेट फॉर्म आ गया, इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। डिवीजन इसको दो में रखा है, ए गैनेथा एंड गैनेथोस्टोमेटा। अगर मैं बात करती हूँ ए गैनेथा की, तो ए गैनेथा और गैनेथोस्टोमेटा का डिफरेंस क्या है, ये कभी कभी पूछते हैं पार्ट ए में। ए गैनेथा मतलब यहाँ पर जो जबड़े हैं, जॉज है, वो क्या है, अनुपस्थित है। और गैनेथोस्टोमेटा का मतलब होता है जबड़े जो हैं, जॉज हैं, वो प्रेजेंट है।
अगर जबड़े अनुपस्थित है दैट मीन्स वो साइक्लोस्टोमेटा, उसकी एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। फिर आता है उसका दो ऑर्डर, पेट्रोमाइजोंटिया एंड मिक्सिनोइडियम। यहाँ पर आता है पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, तो ये क्लास आएगी अपनी साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। साइक्लोस्टोमेटा मतलब सर्कुलर माउथ, साइकिल जैसे अपन पढ़ा है साइकिल का कैसे उसका पहिया होता है सर्कल, वैसे साइक्लोस्टोमेटा आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो एक एनाथा हो गया, उसकी एक क्लास हो गई साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा के दो ऑर्डर हो गए पेट्रोमाइजोंटिया एंड मिक्सिनोइडिया। इन दोनों का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपन ने डोलियोलमस आल्पा पढ़ा था वैसे ही पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, ये दो आपको याद करने। ये चीज थी ए गैनेथा की। अब हम बात करते हैं गैनेथोस्टोमेटा की। वहाँ पर दो सुपर क्लास है, पाइसेस एंड टेट्राबोडा। पाइसेस यहाँ पर फिशेज आएगी, इनका अलग से क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे जिसमें 5 क्लासेस होगी उसकी, ये है सुपर क्लास। और टेट्रापोडा है जहाँ पर 4 हाथ पैर वाले पेक्टोरल पेल्विक गर्डल वाले जो जंतु हैं वो आएंगे टेट्रापोडा में, जो है अपना एम्फीबिया रेप्टीलिया एव्स एंड मैमल्स। तो ये 4 क्लासेस बनाता है टेट्रापोडा, और यही 4 क्लासेस अपना फर्स्ट पेपर पूरा कवर करता है। जैसे मैंने आपको कल सिलेबस में बताया था कि एम्फीबिया के अंदर जो जो जंतु हैं उनके अंदर क्या लक्षण पाए जाएंगे, कि वो भाई मराइन में भी रहते हैं, टेरिस्ट्रियल भी रहते हैं मतलब स्थलीय भी हैं और जलीय भी हैं। रेप्टिलियंस हो गए, इसमें अपन सांप की बात करेंगे, स्नेक एंड लिजार्ड की बात करेंगे, एव्स मतलब पक्षी बर्ड्स की बात करेंगे, उनमें अलग अलग परिवर्तन पार्ट इसको कहते हैं सॉरी अनुकूलन की बात करेंगे। मैमल्स के अंदर कि उनके ऊपर हेयर्स की कवरिंग है, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट मतलब अध्यावरण, उनके ऊपर जो अध्यावरण पाया जाएगा इंटेग्यूमेंट पाई जाएगी स्किन सॉरी हेयर्स की, तो वो चीज़ अपन मैमल्स में पढ़ेंगे। तो ये 4 क्लासेस पूरी मिलाकर अपना फर्स्ट पेपर कवर करती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्रेनेटा बताया, यहाँ पर एक क्रेनेटा का बताया, ये इसका पूरा अपन कह सकते हैं फ्लो चार्ट है, जहाँ पर एक क्रेनेटा भी हो गया एंड क्रेनेटा भी हो गया। जितना हो सका मैंने हिंदी में इसको कवर करा है, कि आपको कहीं पर भी इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ में आए तो आप हिंदी देख सकते हैं। तो आपको 3 चार्ट अपने कॉपी में बनाने हैं। पहला तो पूरा जर्नलाइज बनाना, कि भाई फाइलम कॉर्डेटा के 2 पार्ट कर लेना, एक क्रेनेटा और क्रेनेटा। फिर जब आप दूसरा पेपर पर बनाएं वहाँ पर आप एक क्रेनेटा को सिंप्लीफाई करना कि हेमी यूरोसेफेलो। तीसरा जो बनाओ आप फ्लोचार्ट वहाँ पे आप क्रेनेटा को समझाना कि भाई वर्टिब्रेटा होता है उसका सब फाइलम। नाम को आपको अच्छे से याद करना है कि भाई फाइलम कॉर्डेटा के 2 ग्रुप हैं, ये क्लास सब फाइलम नहीं है। फिर बात आती है सब फाइलम की, वो होता है वर्टिब्रेटा। फिर बात आती है डिवीजन की, वो होता है ए गैनेथा गैनेथोस्टोमेटा। फिर बात आती है क्लास ऑर्डर सुपर क्लास। तो ये सारी चीज़ें आपको इसका जो नोमेनक्लेचर अलग अलग मैंने लिखा है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये चीज़ अपने यहाँ ख़त्म होती है, जहाँ पे मैंने आज टॉपिक कवर करा है जर्नल कैरेक्टर्स। मैंने आपको बता दिए कि भाई कॉर्डेट्स के क्या क्या जर्नल कैरेक्टर्स हैं। फिर मैंने आपको उनके 4 मेन पॉइंट्स बता दिए, जहाँ पर बात करते हैं अपन नोटोकॉर्ड होती है, फेरेंजियल गिल्स होते हैं, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, और लास्ट में टेल होती है। मैंने जर्नलाइज डायग्राम बता दिया आपको, उसके नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंसेस बता दिए, और उनको कैसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे वो सारे पॉइंट्स, प्लस उसके ब्लड के अंदर क्यों RBCs होते हैं, इसके अंदर RBC लाल होते हैं, उसके अंदर RBC ब्लू होते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको हिंदी एंड इंग्लिश में डिफरेंशिएटेड फॉर्म में बता दिए। अब काम आपका ये है, आपको अपनी कॉपी में सारे नोट डाउन करना है। इस जैसे यूनिट ख़त्म होता है मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, उस असाइनमेंट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, जैसे अपन क्लास में फर्स्ट ईयर में जो क्लास टेस्ट लेते थे वैसे ही क्लास टेस्ट होगा, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। आंसर सारे इसमें मेरी प्रेजेंटेशन में है, आंसर्स को अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो बैठकर। हिंदी वाले हिंदी के अपने बना लीजिए, इंग्लिश वाले अगर कुछ और आपको लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं समझ में आए, मैं आपको वापस डायरेक्टली समझा दूंगी। तो आज आप ये स्लाइड अच्छे से देखिए, कल अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एनिमल जो है बेलेनोग्लॉसिस, उसका अपन हैबिटेटेड डाइजेशन रेस्पिरेशन ये सारी जो तंत्र है, प्लस इसका डेवलपमेंट कैसा होगा वो चीज़ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।